Hi you guys, this is Durga from Dafty Dames and welcome back to another Saturday video which is actually an extension of last week जहाँ पे हम लोग ने वेस्ट पेपर से हैंडमेड पेपर बनाया था और उस चक्कर में फिर मोल्ड और डेकल भी बना लिया था और इस वीक वी आर गोइंग टू ट्राई एंड मेक कलर्ड पेपर्स. तो कुछ कलर्स बनाने की कोशिश की है, नेचुरल कलर्स आउट ऑफ फूड वेस्ट और फूड मटेरियल एंड कुछ एलिमेंट्स डाल के कलर पेपर को टेक्सचर देने की कोशिश की है. क्विकली फॉर ऑल द newbies, जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मी एंड माई फ्रेंड शालमली वी बोथ हैव क्रिएटेड दिस चैनल कॉल्ड Dafty Dames जहाँ पे हम हर हफ्ते एक नया वीडियो लेके आते हैं जिसमें DIY और क्राफ्ट होता है. तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अर चैनल एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू अर चैनल थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. मूविंग ऑन टू टूडेज वीडियो, तो जो पुराना मोल्ड और डेकल था वो तो बहुत ही अच्छा था, पर इस वीक को प्रीवियस वीडियो देख के मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दो फ्रेम्स लाके दी सेम साइज़ की और मैंने उससे मोल्ड और डेकल बनाया है. उस पर एक अलग टेक्सचर की नेट लगाई है तो पेपर का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट आएगा. तो वो नेट मैंने एक फ्रेम पर स्टेपल कर दी है और उससे मोल्ड और डेकल बनाया है. वो फ्रेम थोड़ी छोटी है तो पेपर भी थोड़ा छोटा बनेगा पर कलर्ड पेपर के लिए चल जाएगा. तो अभी मोल्ड और डेकल रेडी है तो हम बनाते हैं अपने कलर्स और फिर कलर्ड पेपर्स. तो सबसे पहले शुरू करते हैं टर्मरिक से, दैट इज़ हल्दी. तो एक बोल में पानी लेंगे और फिर 2 स्पून हल्दी का डालेंगे, टर्मरिक पाउडर, और फिर उसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे. दिस इज़ द ईजीएस्ट कलर. इसको 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे और फिर लो गैस पे सिमर करेंगे हाफ एन आवर के लिए. और ये बन गया हमारा येलो कलर. दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट कलर अवेलेबल इन द किचन एवर. अभी येलो पेपर बनाना शुरू करते हैं. सो आई एम टेकिंग दिस पेपर पल्प जो वेस्ट पेपर से बनाया हुआ है एंड हमारा जो येलो कलर है उसको अच्छे से शेक करके इसके अंदर डाल देंगे और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे. बिकॉज दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कलर्स सो पेपर मेकिंग के डिटेल में नहीं जाएंगे. लास्ट वीक वी डिड अ पेपर मेकिंग वीडियो, तो डिटेल वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डू गो चेक इट आउट. और ये रहा हमारा फर्स्ट येलो पेपर. अभी इस वेट पेपर को क्लॉथ पे उतार के वी विल लेट इट ड्राई. नाउ टू ऐड द टेक्सचर्स, आई एम गोइंग टू ऐड दिस गोल्डन एंड कॉपर कलर्ड सिल्क थ्रेड्स एंड दिस मरून कलर्ड ड्राई लीव. तो ये ऐसे स्मॉल पीसेस में ऐसे रफली कट करके पानी में डाल देंगे एंड देन वी विल पुल आउट आर टेक्सचर्ड पेपर. सो हियर वी गो. You can see those copper threads. और अगर किसी जगह पे ज़्यादा leaves है तो उसको उसके हिसाब से adjust कर देंगे. अभी इसको भी हम cloth पे stick कर देंगे. All we need to do is invert it on the cloth, extract out as much water as possible, and then pull the frame like this, and let the paper dry. Next in our list is beetroot. तो बीटरूट का ऑफ़ कोर्स वी ऑल नो कि उसका कितना डार्क पिंक कलर होता है, तो आई वांटेड टू यूज़ दैट एज वेल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रफली कट दिस बीटरूट्स इनटू मीडियम साइज. सो आई एम जस्ट यूजिंग 2 राइट नाउ बिकॉज मुझे पेपर्स बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाने हैं. सो ये 2 बीटरूट हम लोग गर्म पानी में ऐड कर देंगे संभाल के. तो ये ज़्यादा पानी गर्म हो गया, इसको भी बॉईल होने देंगे एक 15 मिनट के लिए और फिर गैस लो करके सिमर होने देंगे अराउंड 40 मिनट्स. एंड हियर वी गो, आ मरून कलर इज रेडी. अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. पल्प में कलर ऐड कर देंगे हम लोग ने जो बीट रूट का बनाया हुआ है मरून कलर, और फिर पानी ऐड कर देंगे उसके हिसाब से. वी विल लेट दिस कलर सिट ऑन द पल्प. पिंक पेपर पे टेक्सचर ऐड करने के लिए मेरे पास ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं और लीव्स है ड्राइड, तो इनको ऐसे फाइनली चॉप करके डाल देंगे हम लोग के मिक्सचर में.
और ये पिंक कलर के सिल्क थ्रेड लिए हैं और कुछ गोल्डन थ्रेड्स लिए हैं मैंने, वो भी डाल देंगे। एंड लेट्स पुल आउट द पेपर, एडजस्ट द पेटल्स वाइल पुलिंग आउट द पेपर लाइक दिस। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग राइट। एंड ये थ्रेड्स भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। एंड नाउ वी विल लेट दिस पेपर ड्राई एज वेल। एंड येस, आई नो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ पिंक पेपर्स। It's the tea time now. So on a malmal ka cloth, I'm going to add 2 spoons of tea, the regular kitchen mein use karne wala tea, and then I'm going to just tie a knot of this cloth. Now let's put that cloth on the edge of the container like this and let the color seep out in the boiling water. Wow, just look at it, it's like getting darker and darker. Once you think it has got the darkest, just let it simmer for 10-15 minutes and here we go, our dark brown color is ready. Now let's add this color into the pulp and let the pulp extract as much color as possible. I'm going to let it sit for at least an hour. Let's start pulling out our paper. So just as experiment, मैं ये पूरा leaf ऐसे bottom पे stick करने वाली हूँ to check कि वो ऐसे stick होता है कि नहीं, and then I will put it on the cloth. अभी इस paper के texture के लिए I have used this brown paper जो हमारे parcel bag वाला होता है और कुछ brown silk thread लिए हैं। इनको ऐसे पानी में घोल देंगे एंड देन वी विल पुल आउट आवर पेपर। अगर किसी को देख के हाइड एंड सीक की याद आ रही है तो यू आर नॉट अलोन। नाउ इट्स टाइम टू टेक दिस ऑन द क्लॉथ एंड लेट इट ड्राई। ये जो सिल्क ब्राउन थ्रेड है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज स्पिनच। तो मैंने एक बंडल ऑफ स्पिनच लिया है, फ्रेश स्पिनच, और इसको भी रफली चॉप कर लेंगे और अभी इसको गर्म पानी में डाल देंगे। वी विल लेट दिस बॉइल। वंस द स्पिनच इज़ कम्प्लीटली कुक्ड, इसे भी सिमर करने के लिए रख देंगे अराउंड एन आवर, क्योंकि इसका कलर फटाक से नहीं आएगा, इसको ज़्यादा टाइम रखेंगे। And now we will put it in the pulp. I'm going to let the pulp soak in as much green color as possible. For the texture, I'm going to add some silk threads and I have this dried green tea, some dried leaves, and this tea bag ka jo paper hota hai wo hai, use bhi main aise small pieces mein cut kar rahi hu aur dried leaves ko, और इस सब को पानी में घोल देंगे। जो ग्रीन टी का टेक्सचर है, ड्राइड ग्रीन टी का, आई गेस वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अगर किसी को लग रहा है कि ये पेपर बहुत ही न्यूट्रिशियस है, यू आर नॉट अलोन। ऐसे लीव्स स्प्रेड आउट कर लेंगे पूरे पेपर पे। तो दिस इज़ अ ग्रीन पेपर, इट्स नॉट वेरी डार्क बट ग्रीन टिंट आ रहा है उस पर। And then we will take it out on the cloth and let this dry. Last on our list is onion peels. So I've been saving this onion peels for a long time now. कुछ और भी ऐड करते हैं। So जो डार्क ऑनियन है उसके पील्स यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इन पील को एक बार वॉश कर लेंगे क्योंकि उस पर बहुत सारी डर्ट होती है, और फिर ड्रेन कर लेंगे। अभी इनको गर्म पानी में डाल देंगे एंड वी विल लेट इट बॉयल। वंस द वाटर स्टार्ट्स बॉयलिंग, ये जो पील है वो कलर छोड़ने लगता है, एंड देन वी विल लेट दिस सिमर फॉर अराउंड एन आवर। द कलर हैज़ गॉट डार्कर एंड नाउ वी विल ड्रेन आउट द होल वाटर and we have got our orange color. It's time to add it to our pulp.
अभी इस कलर को पल्प पे बैठने देंगे। अभी इन पेपर को टेक्सचर ऐड करने के लिए मैं ये ऑरेंज कलर के ड्राइड फ्लावर्स ले रही हूँ, जिनको ऐसे रफली छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके डाल देंगे पानी में। और वो जो रोज़ पेटल्स थे, ड्राइड रोज़ पेटल्स, उन्हें भी डाल देंगे अंदर। आई हैव सम ऑरेंज एंड कॉपर कलर्ड सिल्क थ्रेड्स। इसको अच्छे से घोल लेंगे पानी में एंड देन वी विल स्टार्ट पुलिंग आउट आवर पेपर। वाओ, जस्ट लुक एट इट। अभी ये जो फ्रेम पे पड़े हुए थ्रेड्स है उनको अरेंज कर लेंगे पेपर पे एंड देन वी विल टेक इट आउट ऑन द क्लॉथ। ऑल वी नीड टू डू नाउ इज लेट ऑल दिस पेपर ड्राई एंड देन वी विल सी हाउ आवर पेपर्स हैव टर्न्ड आउट। नाउ ऑल द पेपर्स आर ड्राइड, इट्स टाइम टू अनरैप दिस बंडल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टर्मरिक वन। सो एज एक्सपेक्टेड पेपर ने अच्छे से कलर ले लिया है। दिस इज़ द प्लेन येलो वन एंड ये है टेक्सचर वाला। जो मरून लीफ था वो अभी ब्राउन हो गया है। नेक्स्ट इज़ टाइम फॉर आर बीट रूट। सो जब भी मैंने ये बंडल ओपन किया था आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो वेट पेपर पे पिंक कलर दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। एकदम ही हल्का टिंट है पिंक का और इट्स ऑलमोस्ट नियर टू द वाइट। और मैंने बहुत सारे पेपर्स बनाए थे थिंकिंग कि ओ पिंक कलर के पेपर बनेंगे, बट नॉट रियली। दिस वन इज़ आर टी पेपर। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन, क्योंकि इसको प्रॉपर लाइट ब्राउन शेड आया है। और मैंने कुछ लीव्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैंने लीव्स ऊपर से इसे चिपका दिए थे टू सी कि उसका इम्प्रिंट आ रहा है कि नहीं। तो अभी एक हल्का लीव का इम्प्रिंट आ रहा है पेपर पे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये वो वाला पेपर है जिस पे मैंने सिंगल लीव स्टिक किया था एंड पे, तो वो भी अच्छे से स्टिक हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू सी आर स्पिनच, दैट इज ग्रीन कलर। तो आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, पर एक्चुअल में काफ़ी ग्रीन कलर आ गया है पेपर पे एंड इट लुक्स अमेजिंग। और जो वो ड्राइड ग्रीन और येलो लीव्स है वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इस पेपर पे। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन। बट माई फेवरेट हैज़ टू बी द ऑनियन पील, बिकॉज उसको प्रॉपर वो पीच कलर आया है पेपर को एंड इट लुक्स ऑसम। ऑफ़ कोर्स अगर आपको किसी को कलर पेपर्स बनाने हैं और इंटेंस कलर्स बनाने हैं, तो जो हमारे वाटर कलर्स होते हैं या फिर एक्रेलिक कलर्स होते हैं वो भी हम पल्प में डाल सकते हैं। बट आई ऑप्टेड फॉर नेचुरल कलर्स बिकॉज जो ये नेचुरल कलर का म्यूटेड फील आता है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अदर देन द बीट रूट, आई थिंक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही कलर्ड पेपर्स बने हैं। एंड जो टेक्सचर्स आए हैं दोज आर लुकिंग एब्सोल्यूटली स्टनिंग। सो आई रियली लव दिस एक्सपेरिमेंट। एंड इफ यू गाइज हैव लव दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अस अ बिग फैट थम्स अप और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।